पतली कमर वाली परी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी पतली कमर वाली परी की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पतली कमर वाली परी की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में काजल नाम की एक परी रहती थी। काजल को बचपन से डांस करने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर समय डांस करने में बिताया करती थी। उसने सब तरीके के डांस सीख रखे थे। दूसरी तरफ ज्यादा देर डांस करने और कम खाना खाने की वजह से काजल परी का शरीर बहुत ही दुबला पतला था। यहाँ तक कि जब वो दूसरी परियों के बीच जाती थी तो सबसे अलग दिखाई देती थी। काजल के दुबले पतले शरीर की वजह से सभी परियां हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन काजल परी देश के बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रहे राजकुमार को देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो राजकुमार पर मोहित हो जाती है। अरे वाह, राजकुमार कितना खूबसूरत है, इसके जैसा खूबसूरत तो पूरे परी देश में कोई नहीं है। मन करता है इसे सारा दिन देखती रहूं। तभी काजल के बगल में खड़ी नैना परी कहती है, अरे बेवकूफ, तू राजकुमार के सपने देखना छोड़। तू कहाँ और राजकुमार कहाँ, जरा अपने आप को देख। तेरा शरीर लकड़ी की तरह है, अगर एक तेज हवा का झोंका आ गया तो तुझे उड़ाकर दूर ले जाएगा। और ऊपर से तेरे गाल पिचके हुए हैं, जिसकी वजह से तेरे चेहरे में जरा भी रौनक नहीं है। देखो नैना परी, ये सब ठीक नहीं है। जब देखो तुम मेरा मजाक उड़ाते रहती हो। अगर आज के बाद तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी दे रही है? ठहर जा, भी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर नैना परी काजल का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। काजल परी नैना परी का मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन नैना परी बहुत ही हट्टी कट्टी थी। काजल परी उससे नहीं जीत पाती। उसके बाद नैना परी काजल का सारा सामान सड़क पर फेंक देती है। चल निकल यहाँ से और दोबारा मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी। बिचारी काजल परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन काजल परी अपने घर की छत पर डांस कर रही थी, तभी वहाँ से गुजर रहे राजकुमार की नज़र काजल परी पर पड़ती है। काजल परी का डांस देख राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और बिना इंतजार किए दीवार चढ़कर छत पर पहुँच जाता है। अचानक अपने सामने राजकुमार को देख काजल परी दंग रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ, राजकुमार आप यहाँ? तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मैंने तुम्हारी जैसी डांस करने वाली परी आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह डांस सिखा सकती हो? ये सुनकर काजल परी खुश हो जाती है। हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, मैं सभी तरह के डांस में माहिर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं कल से ही आपको डांस सिखाना शुरू कर देती हूँ। फिर राजकुमार दोबारा आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से राजकुमार रोज सुबह काजल परी के घर जाकर उससे डांस सीखने लगता है। धीरे धीरे राजकुमार को काजल परी से प्रेम हो जाता है और वो अपना सारा वक्त उसके साथ बिताने लगता है। फिर एक दिन, काजल तुम परी देश की सबसे अच्छी परी हो, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज ही तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले जाऊंगा। फिर शाम होते ही राजकुमार काजल परी को महल ले जाता है। माँ, ये काजल है, मैंने इससे शादी करने का फैसला किया है। अपने बेटे की पसंद देख रानी परी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये परी तो मैचिस की तीली की तरह दिखती है। नहीं नहीं, इसके शरीर में तो सिर्फ हड्डियां नजर आ रही है, मैं इस परी को अपनी बहू नहीं बनाने वाली। लेकिन राजकुमार जिद पर अड़ा रहता है और काजल परी से शादी करने का फैसला नहीं बदलता। इस बात से रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, लगता है उस परी ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मुझे उस परी को जान से मारना ही होगा, वरना मेरा बेटा उससे शादी कर लेगा।
फिर रात होते ही रानी परी काजल परी को मारने उसके घर पहुंच जाती है। उस समय काजल परी अपने कमरे में सो रही थी। ये अच्छा मौका है, मैं घर में आग लगाकर इसे मार देती हूँ। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से काजल परी के घर में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से काजल परी की आँख खुल जाती है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख रानी परी जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ राजकुमार की दादी परी आ जाती है। वो फौरन काजल परी के घर पर पानी की बारिश कर देती है। अपनी सांस को देख रानी परी घबरा जाती है। अरे नहीं, मेरी सांस यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? तूने इस मासूम लड़की को जान से मारने की कोशिश की है, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। इतना कहकर दादी परी रानी परी की जादुई छड़ी छीन लेती है। अगले 6 महीने तक तू महल के तहखाने में बंद रहेगी, तभी तुझे अकल आएगी। फिर दादी परी रानी परी को महल के तहखाने में बंद कर देती है और दूसरी तरफ काजल परी के साथ राजकुमार की शादी करवा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की शारीरिक बनावट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी लोगों को बराबर सम्मान देना चाहिए।